तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको लर्न एजुकेशन टू एम की और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही आसान तरीकों से जोड़ और घटाना सिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जोड़ और घटाव बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले बनाएंगे हम जोड़। दोस्तों जोड़ में करना क्या होता है, संख्याओं को जोड़कर उसके सामने लिखा जाता है। दोस्तों देखिए इसको कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों इस साइड से हमारा पहला अंक क्या है, 3 और 5। दोस्तों ऊपर में है 3, तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए 3 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 5, तो हम क्या करेंगे, 3 लाइनों में ही और 5 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों 3 और 5 को जोड़ने पर क्या आया, 8। दोस्तों हम यहाँ पर 8 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, 4 और 2। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है 4, तो हम क्या करेंगे, 4 के लिए 4 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 2, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 4 लाइनों में ही और 2 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, उसी तरीके से इन सारे लाइनों को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों 4 और 2 को जोड़ने पर क्या आया, 6। दोस्तों हम यहाँ पर 6 को लिख देंगे। अब दोस्तों उसी तरीके से इसके बाद क्या है, 5 और 3। दोस्तों ऊपर में है 5, तो हम क्या करेंगे, 5 के लिए 5 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 3, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 5 लाइनों में ही और 3 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों 5 और 3 को जोड़ने पर क्या आया, 8। दोस्तों हम यहाँ पर 8 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, 2 और 4। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए 2 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 4, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 2 लाइनों में ही और 4 लाइन पाड़ लेंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों 2 और 4 को जोड़ने पर क्या आया, 6। दोस्तों हम यहाँ पर 6 को लिख देंगे। और दोस्तों ये आ गया हमारा बहुत ही आसान तरीकों से आंसर। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों अब घटाना भी बनाना सीखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने जोर में संख्याओं को जोड़ा, उसी तरीके से घटाओ में हमें संख्याओं को घटाना है। दोस्तों देखिए घटाओ में संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है, 8 और 5। तो दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है 8, तो हम क्या करेंगे, 8 के लिए 8 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 5, तो हम क्या करेंगे, 8 लाइनों में से 5 लाइनों को कट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा जो भी शेष लाइन बचा है उसको गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2 3। दोस्तों 8 में से 5 को घटाने पर क्या आया, 3। दोस्तों हम यहाँ पर 3 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, 5 और 3। दोस्तों इसको भी उसी तरीके से घटाना है। दोस्तों ऊपर में है 5, तो हम क्या करेंगे, 5 के लिए 5 लाइन पाड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 3, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 5 लाइनों में से 3 लाइनों को कट कर लेंगे, 1 2 3। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारा जो भी शेष लाइन बचा है उसको गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1 2। दोस्तों 5 में से 3 को घटाने पर क्या आया, 2। दोस्तों हम यहाँ पर 2 को लिख देंगे।
अब दोस्तों इसी तरीके से इसके बाद क्या है, सात और चार। दोस्तों ऊपर में है सात, तो हम क्या करेंगे, सात के लिए सात लाइन पढ़ेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, चार, तो हम क्या करेंगे, सात लाइनों में से चार लाइनों को कट कर लेंगे। एक दो तीन चार। अब दोस्तों आपको उसी तरीके से हमारा जो भी सेशन बचा है उसको गिन लेना है, तो मेरे साथ गिनिए। एक दो तीन। दोस्तों सात में से चार को घटाने पर क्या आया, तीन। दोस्तों हम यहाँ पर तीन को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट में क्या बच गया, चार और दो। दोस्तों इसको भी उसी तरीके से घटाना है। दोस्तों ऊपर में है चार, तो हम क्या करेंगे, चार के लिए चार लाइन पाड़ेंगे। एक दो तीन चार। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, दो, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से चार लाइनों में से दो लाइनों को कट कर लेंगे। एक दो। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो भी शेष लाइन बचा है उसको गिन लेना है, तो मेरे साथ गिनिए। एक दो। दोस्तों चार में से दो को घटाने पर क्या आया, दो। दोस्तों हम यहाँ पर दो को लिख देंगे। और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बहुत ही आसान तरीकों से आंसर। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।